भारत द्वारा किए गए G20 के सफल आयोजन पर जहां दुनिया भर में तारीफ हुई, तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ देश बाहरी तौर पर स्वागत तो कर रहे हैं मगर अंदर से कसावट है। हाल ही में चीन की ओर से भारत मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जवाब आया है। चीन की ओर से कहा गया कि वह G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का स्वागत करता है, पर चीन तब तक ही इसके साथ है जब तक कि ये विकास की दृष्टि से देखा जाए। चीन को डर है कि कहीं ये भू राजनीतिक उपकरण न बन जाए। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में उल्लेखित किया गया है कि चीन उन सभी पहलुओं का स्वागत करता है जो वास्तव में विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के निर्माण में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही ये कनेक्टिविटी और आम विकास को बढ़ावा देने के सही मायनों में ईमानदारी से सहयोग करते हैं। नए कॉरिडोर को लेकर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि हम इस बात की वकालत करते हैं कि कनेक्टिविटी की पहल खुली, समावेशी और तालमेल बनाने वाली होनी चाहिए और जियोपॉलिटिकल टूल नहीं बननी चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए कॉरिडोर को बनाए जाने की घोषणा की। भारत मध्य पूर्व और यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। कॉरिडोर की घोषणा करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है, हम पहले इसे कम करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे नेक्स्ट जनरेशन को जहां फायदा होगा तो इससे कहीं न कहीं व्यापार संबंधों में और अच्छी तालमेल बनेगी। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पहल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, भारत ने जबरदस्त काम किया है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का सुझाव प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था और यही इस G20 समिट का फोकस है। ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इधर इटली ने भी चीन की महत्वाकांक्षी योजना BRI से अलग होने का फैसला कर लिया है और इटली का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चीन ने अगले महीने बीजिंग में BRI के तीसरे सम्मेलन को आयोजित करने की योजना बनाई थी। ऐसे में अब यदि इटली पीछे हटता है तो इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा परियोजना के लिए शर्मिंदगी माना जाएगा और चीन ऐसा कतई नहीं चाहता।